एक बार फिर से समझ लीजिए, मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है जो मार्केट को डोमिनेट कर रहा होता है। ऑलिगोपोली में फ्यू सेलर्स, कुछ सेलर्स होते हैं जो मार्केट को डोमिनेट कर रहे होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लूटस आईएएस। गाइस, हम लोग एक सीरीज बना रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में पास्ट ईयर में जो इतने भी क्वेश्चंस आए उन पे मैं वीडियोस बना रहा हूं जिससे आपको हेल्प मिल सके। तो उसी सीरीज में आज एक और वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑलिगोपोली, और वो भी नॉन कोलिजिव ऑलिगोपोली का पहला मॉडल जो कि कार्नोट मॉडल है। इसी कार्नोट मॉडल एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। ये एक समझ लीजिए नॉन कोलिजिव ऑलिगोपोली का एक तरीके से बेसिक या फंडामेंटल मॉडल है। बाकी जो मॉडल हैं स्टैकलबर्ग एंड ऑल, वो इसी से इंस्पायर्ड मॉडल्स हैं। कुछ चेंजेस हैं कार्नोट से बाकी मॉडल्स में, लेकिन जो बेस है वो कार्नोट मॉडल ही है। क्योंकि ये बेस है, फंडामेंटल है नॉन कोलिजिव ऑलिगोपोली का, तो हर बार या आप ऐसे बोल लीजिए ज़्यादातर कार्नोट मॉडल से क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपके लिए। गाइस, कार्नोट मॉडल को मैं 3 पार्ट्स में बना पाऊंगा। आज का पार्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कार्नोट मॉडल होता क्या है, कैसे ऑपरेट करता है, नॉन कोलिजिव ऑलिगोपोली में क्या होता है, इसके अजम्पशंस क्या हैं और उन अजम्पशंस का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में इसके एस्पेक्ट्स देखेंगे। ये सारी चीज़ें अगले वाले पार्ट में, एस्पेक्ट्स और फिर उसका मैथमेटिकल फंक्शन वगैरह। लेकिन आज बात करते हैं पहले कि कार्नोट मॉडल है क्या। तो समझिए, पहले तो कार्नोट मॉडल स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रीड कर देता हूं जो कि यूपीएससी में आ चुके हैं। एक क्वेश्चन तो था एक्सप्लेन कार्नोट मॉडल ऑफ ऑलिगोपोली, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, कार्नोट मॉडल आपको एक्सप्लेन करना था। या फिर ऐसे भी पूछा है यूपीएससी ने, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द मॉडल ऑफ नॉन कोलिजिव, और एक बार अनकोऑर्डिनेटेड भी यूज किया गया है नॉन कोलिजिव की जगह। तो एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द मॉडल ऑफ नॉन कोलिजिव और अनकोऑर्डिनेटेड ऑलिगोपोली। तो कोई भी मॉडल आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते थे, कार्नोट भी इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। और गाइज, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं यूपीएससी में, पास्ट ईयर क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स आए हैं जो कि मैं आपके साथ करूंगा इस वीडियो में नहीं, लेकिन कार्नोट के अगले वीडियोस जो बनेंगे सीरीज में उसमें। ठीक है, तो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें यूपीएससी आपसे न्यूमेरिकल भी पूछता है और थ्योरी भी पूछता है। ठीक है, तो चलिए कार्नोट मॉडल को समझते हैं। इस 2-3 वीडियो की जो भी सीरीज बनेगी कार्नोट को, इसको फॉलो करिएगा, आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि कार्नोट होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कार्नोट मॉडल एक नॉन कोलिजिव ऑलिगोपोली के लिए या को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। नॉन कोलिजिव ऑलिगोपोली का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो समझिए, ऑलिगोपोली एक वो मार्केट है जहां पे हमारे पास फ्यू सेलर्स होते हैं, कुछ सेलर्स होते हैं। ठीक है, मैंने कोलिजिव ऑलिगोपोली किंग डिमांड कर्व जो किया था उसमें समझाया भी था कि ऑलिगोपोली क्या होती है। एक बार फिर से समझ लीजिए, मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है जो मार्केट को डोमिनेट कर रहा होता है। ऑलिगोपोली में फ्यू सेलर्स, कुछ सेलर्स होते हैं जो मार्केट को डोमिनेट कर रहे होते हैं। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं नॉन कोलिजिव ऑलिगोपोली की। तो नॉन कोलिजिव ऑलिगोपोली में क्या होता है, यहाँ पे ऑलिगोपोलिस्ट जो है, सेलर्स जो हैं, वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं बिना एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किए हुए। So sellers do not coordinate with each other, they act independently. ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2 सेलर्स हैं। ठीक है, मैं इसको आपको समझाता हूँ। लेट्स से वी हैव टू सेलर्स, सेलर ए एंड सेलर बी, ठीक है। अब ये सेलर ए एंड सेलर बी दे विल टेक डिसीजंस, ये डिसीजन लेंगे अपने आउटपुट, अपने प्रोडक्शन के लिए। पहली बात तो द डिसीजन दैट दे आर गोइंग टू टेक इट विल बी इंडिपेंडेंट, सो इंडिपेंडेंटली they take decisions। बोलिए समझ रहे हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया जाता है और इनका एम क्या होता है इन डिसीजन का, इनको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है, टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। सो बोथ दी सेलर्स विल टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस एंड देयर डिसीजन विल बी सच so as their profit can be maximized, okay? और ये decision कैसे लिए जाते हैं oligopoly में? ये अपना output या price को ध्यान में रख के लिए जाते हैं। These decisions are taken based on output or price, ठीक है। इनको ध्यान में रख के कोई भी ऑलिगोपोलिस्ट डिसीजन लेता है, ओके? बोले बात समझे। लेकिन अगर मैं कार्नोट मॉडल की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, ऑलिगोपोलिस्ट डिसीजन लेता है आउटपुट या प्राइस को ध्यान में रख के, लेकिन कार्नोट मॉडल में क्या होता है? कार्नोट मॉडल में डिसीजन लिया जाता है आउटपुट को कंसिडर करके, ना कि प्राइस को कंसिडर करके। बोलिए बात समझे कि नहीं? ठीक है। और एक बात आप और ध्यान रखिएगा, कार्नोट मॉडल ऑफ ऑलिगोपोली जो है, इसको हम लोग कार्नोट मॉडल ऑफ ड्यूओपोली भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने बताया ऑलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं, तो अगर दो सेलर हैं वो ड्यूओपोली बन गया। तो कार्नोट मॉडल को सिंपल रखने के लिए मोस्टली कार्नोट मॉडल ऑफ ड्यूओपोली यूज किया जाता है। यूपीएससी भी कार्नोट मॉडल ऑफ ड्यूओपोली ही कह के आपसे क्वेश्चन फ्रेम करता है। बोलिए बात समझ में आई? ठीक है। तो ये जो कार्नोट मॉडल ऑफ ड्यूओपोली है, ये इकोनॉमिक्स में एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो इसलिए इस्तेमाल होता है ये एनालाइज करने के लिए कि फर्म्स कैसे बिहेव करती हैं एक मार्केट में जहां पे सिर्फ दो कॉम्पिटिटर्स हैं, यानी एक फर्म है और एक और उसका राइवल है, और ये दोनों फर्म्स आइडेंटिकल गुड सेल कर रही हैं, सेम गुड सेल कर रही हैं। बोलिए बात समझे। यहां पर कार्नोट मॉडल में फर्म्स कैसे एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करती हैं, ये स्ट्रैटेजिकल कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है। ये अपने प्रोडक्शन का लेवल चूज करती हैं, और प्रोडक्शन का लेवल ये इस बात को ध्यान में रख के चूज करती हैं कि ये ऐसा मान के चूज करती हैं कि इनका कॉम्पिटिटर जो है उसका प्रोडक्शन का लेवल फिक्स्ड है। बोलिए बात समझ में आई? ठीक है। अब इसके अजम्पशंस देख लेते हैं। तो देखिए पहला अजम्पशन है कि फर्म्स आर आइडेंटिकल इन कॉस्ट एंड फेस द सेम मार्केट, एक जैसा मार्केट फेस करती हैं और फर्म का कॉस्ट फंक्शन आइडेंटिकल है, ओके। मार्केट में सिर्फ दो फर्म्स हैं, मैंने पहले ही बताया ड्यूओपोली है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग जीरो मान के चलते हैं, एमसी यहां पर जीरो होता है, और कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती है प्रोडक्शन की, ओके। उसके बाद फर्म्स जो है एक दूसरे को ऑब्जर्व कर सकती हैं कंप्लीटली, पूरी तरीके से, बाय साइमल्टेनियस क्वांटिटी सेटिंग, ओके। और फर्म्स का इंटेंशन क्या है? अपने फर्म्स का इंटेंशन है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। बोलिए ये अजम्पशन समझ में आया आपको? ठीक है ना। अब देखिए जो फोर्थ अजम्पशन मैंने कहा कि फर्म्स कैन ऑब्जर्व ईच अदर कंप्लीटली बाय साइमल्टेनियस क्वांटिटी सेटिंग, इसको समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि जो फर्म्स हैं वो एक दूसरे की प्रोडक्शन कैपेसिटी जानती हैं, ठीक है, दे नो द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ईच अदर, प्लस इन्हें एक दूसरे का कॉस्ट स्ट्रक्चर भी पता है, और थर्डली इन्हें एक दूसरे का पास्ट के जो प्रोडक्शन डिसीजन थे वो भी पता है। तो फर्म को दूसरे फर्म की, राइवल फर्म की प्रोडक्शन कैपेसिटी पता है, उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर पता है, प्लस उसका पास्ट में जो प्रोडक्शन डिसीजन थे वो भी पता है, और इन्हीं पे बेस करके फर्म अपना डिसीजन लेती है आउटपुट जनरेट करने का, ठीक है। इसके बाद एक और टर्म आया, साइमल्टेनियस क्वांटिटी सेटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों फर्म्स हैं वो साइमल्टेनियस डिसीजन ले रही हैं, एक साथ डिसीजन ले रही हैं। कैसे? जो पुराने डेटा है उनके पास, पुराना प्रोडक्शन कैपेसिटी राइवल फर्म की मालूम है, कॉस्ट स्ट्रक्चर मालूम है, अभी की प्रोडक्शन कैपेसिटी मालूम है, तो कहती है अच्छा इसका ये हिसाब है तो मैं इतना प्रोड्यूस करूंगी। दूसरी फर्म भी उसी टाइम पे बताती है हम इतना प्रोड्यूस करेंगे, ओके। इन्हें एक्चुअल नॉलेज नहीं है अभी कि दूसरी फर्म, राइवल फर्म कितना प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो फिर ये अपना डिसीजन किस हिसाब से लेंगी? ये अपना डिसीजन मार्केट डिमांड के हिसाब से लेंगी, ओके। और अब ये डिसीजन लेने के बाद ये क्या करेंगी? गैस वर्क करेंगी कि हम तो इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेरा राइवल इतना प्रोड्यूस कर रहा होगा। बात समझ में आई, ठीक है। सो गाइस, ये था कार्नोट मॉडल का इंट्रोडक्शन आपके लिए। सारे अजम्पशंस पांचों जो आपके मैंने बताए, ये नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली का फंडामेंटल पोर्शन है, और इसको हम लोग कार्नोट मॉडल ऑफ ड्यूओपोली कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिकली दो फर्म को कंसिडर करके काम करते हैं। सो गाइस, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कार्नोट के। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। कोई भी डाउट या क्वेरी आती है टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उस पर भी हम लोग वीडियोज बनाएंगे आपकी हेल्प के लिए। सो थैंक यू, टेक केयर।